आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। दोस्तों ये चीज है अर्जुन की छाल। जी हाँ दोस्तों, ये अर्जुन की छाल है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लाइट पिंक कलर की होती है। ये आपको किसी भी आयुर्वेद शॉप पर मिल जाएगी। इसके अलावा वैद्यनाथ की दुकान पर, झंडू की दुकान पर आराम से ये आपको मिल जाएगी। चाहे तो आप इसे छाल के रूप में भी ले सकते हैं या फिर पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। दोस्तों इससे अच्छी दवा हाई बीपी को क्योर करने के लिए, डायबिटीज को क्योर करने के लिए, हार्ट के मरीजों के लिए कोई भी नहीं हो सकती। बस आपको सही तरीके से इसको लेना है। और इसके इतने गजब के फायदे हैं कि आपने पहले YouTube पर इससे रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी होंगी और आपको अर्जुन की छाल के फायदे भी नहीं पता होंगे। हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के हिसाब से अर्जुन की छाल आपके शरीर के कई रोगों को बिना दवा के खत्म कर देती है। तो अगर आप अर्जुन की छाल का नियमित रूप से सेवन करती हैं तो ये आपके हृदय से संबंधित सभी रोगों में फायदा करता है। इससे आपके हृदय को बल मिलता है, कमजोरी दूर होती है और साथ ही आपके हार्ट की बढ़ी हुई धड़कन भी सामान्य होती है। अगर आपकी नॉर्मल हार्ट बीट जब 72 से बढ़कर के अगर 150 से ऊपर रहने लगे तो इसका मतलब है आपकी हृदय गति नॉर्मल नहीं है। कई लोगों को हार्ट में पेन रहता है, घबराहट होती है या हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, उनके लिए अर्जुन की छाल का सेवन बेहद फायदेमंद है। ये आपके हाई बीपी को कंट्रोल करता है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित रखता है, साथ ही अगर आपके हार्ट में सूजन है तो उसको भी दूर करता है। इससे जो आपको फायदा मिलेगा वो कई एलोपैथिक दवाओं से भी ज्यादा मिलेगा और लंबे समय तक ये बना रहता है। और साथ ही ये किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आपको अर्जुन की छाल का प्रयोग किस तरह से करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक बर्तन में एक गिलास दूध ले लेना है। दूध को आपको गर्म कर लेना है। इसमें आपको आधी चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर मिलाना है। इस तरह से अर्जुन की छाल आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर। अर्जुन की छाल को पीस करके आप घर में पाउडर तैयार कर सकते हैं या फिर रेडीमेड पाउडर भी आप मार्केट से ले सकते हैं। आपको इसमें आधी चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर मिलाना है। इसके बाद में आपको इसमें मिलानी है 3 से 4 कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल ना करें, साबुत काली मिर्च लेकर के उसको हवाम दस्ते में कूट ले और एक चुटकी के बराबर आपको इसमें काली मिर्च मिलानी है। अब इस दूध को आपको लगभग 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर उबाल लेना है, जिससे कि अर्जुन की छाल के सारे फायदे इस दूध के अंदर आ जाए। जब ये दूध अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट तक उबल जाए उसके बाद आप इसको छान लीजिए और छानने के बाद में आपको इसे हल्का गर्म ही पीना है। ज्यादा गर्म नहीं पी सकते हैं तो हल्का गर्म इसको जरूर लें, बिल्कुल ठंडा करके आपको इसे नहीं लेना है। और इस दूध को आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है और इसका सेवन आपको नियमित रूप से करना है जब तक आपको हार्ट से संबंधित समस्याओं में आराम नहीं आ जाता। रोजाना नियमित रूप से खाली पेट अगर आप इस दूध को पीते हैं तो आपके हृदय की जो बढ़ी हुई गति है वो नॉर्मल हो जाती है। साथ ही आपके हार्ट में पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, घबराहट रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, थकान ज्यादा बढ़ जाती है, उन समस्याओं में भी आराम मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को हड्डियों की कमजोरी रहती है, जो लोग वात से पीड़ित हैं, जिनको जोड़ों में घुटनों में दर्द बना रहता है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, वो लोग भी इस तरह से दूध में काली मिर्च और अर्जुन की छाल का पाउडर मिला करके नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। इससे आपके हड्डियों की कमजोरी दूर होती है, मांसपेशियां मजबूत बनती है। जिन लोगों की डायबिटीज यानी शुगर बढ़ी हुई रहती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, जिनको बीपी की समस्या रहती है, जिनको जोड़ों में हड्डियों में दर्द रहता है, नसों में ब्लॉकेज रहती है, हड्डियों में कमजोरी रहती है, उन लोगों को अर्जुन की छाल का प्रयोग किस तरीके से करना है। आपको क्या करना है, आपको एक तांबे के बर्तन में पानी भर करके उसको रात भर के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है तो अभी मार्केट से खरीद लीजिए, क्योंकि तांबे का बर्तन आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। तांबा एक प्यूरीफायर की तरह काम करता है। ये आपके पेट की आंतों की गंदगी को साफ करता है, साथ ही आपके ब्लड को प्यूरीफाई करता है, आपके रक्त की शुद्धि करता है और रक्त से संबंधित आपको जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करता है। साथ ही आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डाइजेशन को बेहतर बनाता है, आपका पेट को साफ करता है। तो आपको तांबे के बर्तन में पानी भर करके उसको रात भर के लिए छोड़ देना है और अगली सुबह आपको इसी पानी को एक बर्तन में डाल देना है। इसके बाद में आपको इसमें ऐड करना है आधी चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर। इसके बाद आपको इसमें मिलानी है 3 से 4 कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर आपको इसमें नहीं डालना है, काली मिर्च को हवाम दस्ते में कूट करके एक चुटकी के बराबर आपको काली मिर्च इसमें मिला देनी है और उसके बाद में आपको इस काढ़े को अच्छे तरीके से उबाल लेना है। तब तक इसे उबालना है जब तक ये आधी मात्रा में रह जाए, यानी 1 कप पानी हमने जो डाला था वो घट करके आधी मात्रा में रह जाए, तब तक आपको इसे उबाल लेना है।
और उबालने के बाद में आपको इसे छान लेना है। छानने के बाद आपको इस काढ़े को हल्का गर्म गर्म पीना है। जब ये काढ़ा हल्का गर्म रह जाए उसके बाद में आपको इसे धीरे धीरे सिप सिप करके आराम से बैठ करके पीना है। रोजाना नियमित रूप से आपको इस काढ़े का सेवन करना है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको रोजाना ले सकते हैं। इस काढ़े को आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है और अगर आप नियमित रूप से सुबह सुबह खाली पेट इस काढ़े को पीते हैं तो एक तो आपकी हड्डियों और जोड़ों का जो दर्द है वो ठीक होता है, हड्डियों की कमजोरी दूर होती है, नसों की ब्लॉकेज खुलती है, शरीर में वीकनेस खत्म होती है, साथ ही आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहता है, आपका हाई बीपी कंट्रोल में रहता है, आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस रहता है और भी शरीर के कई रोगों में ये फायदेमंद है, जैसे कि आपके पेट को साफ करता है, आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है, आपके हृदय के लिए अच्छा होता है, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको गले की समस्याएं रहती है, बार बार बुखार हो जाता है, उसके लिए भी बेहद फायदेमंद है। आई होप गाइस आपको आज की जानकारी यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।